तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हो जीओटी हिंदी। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे किसी भी एप्लीकेशन का साइज़ जो है वो 200 हो, 300 हो, 1 GB हो, ज़्यादा हो, 2 GB हो, 3 GB हो, ऐसे गेम्स या एप्लीकेशंस को आप 5-10 MB में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसकी कंडीशंस क्या है एंड आपको क्या क्या करना पड़े प्रूफ भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रिक आप कैसे यूज कर सकते हो। आपको अगर किसी भी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर नहीं करना चाहते हो तो आप उस एप्लीकेशन को कन्वर्ट या कंप्रेस करके आप उसे छोटा करके रख सकते हो एंड बाद में आप उसे अनकंप्रेस करके फिर से यूज़ कर सकते हो। आपको अगर ये ट्रिक करना है तो आपको जस्ट एक एप्लीकेशन चाहिए होगा, वो आप मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप प्ले स्टोर में भी डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप है स्पेसअप, तो आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना एंड इसे ओपन कर लो। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आ जाएगा। आपको नीचे जो है स्कैन का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। आपको इससे एसेबिलिटी परमिशन मांगेगा, तो आप सिंपली इसे दे देना। जैसे ये स्पीड अप नेबर अनइंस्टॉल ऐप, इसका ये फुल नेम है, तो मैं जस्ट इसे अवेलेबल कर देता हूँ एंड ये देख सकते हो आपका जो है स्कैन कर रहा है ऐप्स को, कौन सा ये कंप्रेस कर सकता है। तो जस्ट आप इसे स्कैन करने देना। उसके बाद आपके सामने जो है सजेशंस आ जाएंगे। आप इन ऐप्स को कंप्रेस सिलेक्टेड ऐप्स में क्लिक करके कंप्रेस कर सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए एक बड़ा एप्लीकेशन लेता हूँ, उसे मैं कंप्रेस करूँगा। देख सकते हो पीएस चर्च जो है 120 MB का है, तो मैं इसे कंप्रेस करूँगा। बाकी सबको आप कर लेना, आपको जो जो ये सजेशन देता है आप कर लो। एंड आप इधर देख सकते हो ये बड़ा है, इसलिए मुझे ये परमिशन देने के मांग रहा है, तो मैं जस्ट इसमें क्लिक कर देता हूँ। एंड आप देख सकते हो कंप्रेसिंग प्रोग्रेस जो है हो रहा है। तो मैं आपको अभी जो है क्या क्या इसमें कंडीशंस है वो मैं बता देता हूँ। कंप्रेशन प्रोग्रेस जो है होने के टाइम आपको बता दूँ कि आप इसमें ऑनलाइन गेम्स जो है कर सकते हो या आप ऑफलाइन गेम्स जो डेटा वाले होते हैं वो मत करना। जैसे कि सबवे सर्फर्स, टेम्पल रन, ऐसे गेम्स, इनके डेटा अगर आपने इसे कंप्रेस कर लिया तो आपको जो है इसके डेटा खो जाने का डर रहता है। जैसे कि आप समझ लो आपने सबवे सर्फर्स में बहुत ज़्यादा आगे चले गए हो, आपके पास बहुत सारे कॉइन्स है, कैरेक्टर्स है, बट अगर आपने कंप्रेशन कर लिया एंड फिर से आपने अनकंप्रेस करके देखा तो आपका जो है फुल डेटा, मतलब आप फिर से डिफ़ॉल्ट लेवल फर्स्ट लेवल पे चले आओगे एंड आपके कॉइन्स भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये मत करना। आप इसमें पेटीएम, क्लैश ऑफ क्लैंस, पबजी जैसे गेम्स एंड बहुत सारे फेसबुक, व्हाट्सएप ऐसे ऐप्स भी आप इसमें कंप्रेस कर सकते हो। दूसरे ऐप्स जो है आप मत करना एंड अब चलते हैं इसे कंप्रेस होने देते हैं, थोड़ा देर लगेगा बस। इधर आप देख सकते हो पीएस टच जो 120 MB का था वो कंप्रेस हो गया है। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ अब ये कितने एमबी का हो गया है। सो मैं जस्ट ऐप इन्फो में जाऊँगा, एकदम रियल डिटेल्स में दिखा रहा हूँ आपको। इधर आप देख सकते हो ये 72 मतलब 72 KB का हो गया है, पहले वो 120 MB का था, अब ये 72 KB का हो गया है। 1024 KB मतलब 1 MB, तो आप हिसाब लगा ही सकते हो कितना बड़ा था पहले, अब कितना छोटा हो गया है। तो अगर आपको फिर से इसे यूज़ करना है, आपको ज़रूरत पड़ गई है, तो आपको जस्ट इसके आइकॉन में क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको अनकंप्रेस में क्लिक कर देना है। सो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये एप्लीकेशन जो है अनकंप्रेस होके आ जाएगा। एंड थोड़ा सा वेट कर लेना, उसके बाद भी ये आपके सामने इंस्टॉल होके अपने आप खुल जाएगा अगर आपने ओपन में क्लिक कर दिया। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सामने इंस्टॉल करने के लिए आपसे कुछ टाइम लेगा, बस
ये फिर से इंस्टॉल भी हो जाएगा एंड आप इसे फिर से यूज़ भी कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस आज की ये वाली वीडियो देखने के लिए। गुड बाय गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे, और मेरे रेफरल कोड से साइन करना मत भूलना। बाय बाय।